अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत होंगे। आज की रेसिपी मैं आपके लिए बहुत ही इजी और क्विक रेसिपी लेके जिस जो है मसाला कॉर्न, मतलब बहुत ही ज़बरदस्त बचपन की याद आ गई इनको देख के। इनमें जो मैं चीज़ें यूज़ कर रही हूँ वो हैं मकई के दाने, यानी कि ये कैन वाले मैं यूज़ कर रही हूँ, और नमक और रेड चिली मतलब सुर्ख मिर्च, नींबू, हरी मिर्च और थोड़ा सा धनिया। इनको मैंने पहले से चॉप करके रख लिया था, बिल्कुल थोड़ा सा क्वांटिटी, इतनी ज़्यादा नहीं लेनी क्योंकि इसका अपना भी एक टेस्ट होता है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। मैं पहले माइस को जो है मकई के दानों को वो कैन में से निकाल के, ये देखिए मैंने यहाँ पे इसको कैन में से निकाल लिया है। अब मैं इसके अंदर ऐड कर लूँगी नमक टेस्ट के मुताबिक, आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल थोड़ी सी क्वांटिटी में बना रही थी तो इसलिए मैंने थोड़ा सा लिया था, जिसे कहने चुटकी से थोड़ा सा ज्यादा कह लें। और मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी रेड चिली, यानी कि ये जो मेरे पास जो रेड चिली है ये बहुत ज्यादा तेज है, इसलिए मैं थोड़ी सी डाल रही हूँ, और मुझे अगर कम लगेगी तो मैं एंड में इसके अंदर और ऐड कर दूंगी। और ये है नींबू का रस, ये आप जितना मर्जी डालें, इसका तो फिर टेस्ट एक अलहदा ही है। जैसे आप यहाँ पे ऑरेंज जूस भी ले सकते हैं, चाट मसाला भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें बटर भी डलता है, लेकिन वो अपनी मर्ज़ी, आप जिसका मर्ज़ी, हर हर इंसान का अपना तरीका है बनाने का। मेरा ये तरीका था तो मैंने कहा चलें आपके साथ शेयर करती हूँ। आया था बचपन याद आ गया, बचपन हम लोग बहुत खाते थे, बहुत ही ज़बरदस्त थे। इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी अब हरी मिर्च और धनिया, इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। यहाँ पे नींबू थोड़ा सा कम लग रहा था तो मैंने इसके अंदर थोड़ा सा नींबू जो थोड़ी सी रेड चिली और ऐड की थी ताकि थोड़ा सा स्पाइसी हो जाए। जो मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। जी ये मेरी जो है जी रेसिपी जो आज मैंने आपके लिए साथ एक ये जी तैयार हो चुका है, तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करेगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।